दोस्तों, तो आज हम जानेंगे आत्महत्या के रोकने की संभावनाओं को। आत्महत्या मनुष्यों के द्वारा एक स्वेच्छित कृत्य है, जिसका उद्देश्य स्वयं को मारना होता है। अध्ययनों से ये पता चलता है कि ज्यादातर समय कुछ ऐसे लक्षण उभर कर आते हैं उस इंसान में जो आत्महत्या करने वाला होता है। अगर हम इन लक्षणों के प्रति सजग और सतर्क रहे तो उन इंसानों की पहचान अत्यंत सुलभ हो जाती है जो आत्महत्या करने के खतरे को उठाने वाले होते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि पहला, जो व्यक्ति आत्महत्या करने के लक्षणों को व्यक्त कर रहा हो, उन्हें चिन्हित कर उन्हें मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों के साथ जोड़कर भी उन्हें आत्महत्या करने से रोक सकते हैं। ये संदेश उन पर भी लागू होता है जिन्होंने पूर्व में आत्महत्या करने का प्रयास किया हो। दूसरा, जोखिम वाले व्यक्तियों को पूर्व जांच एवं उनके ऊपर आत्महत्या व्यवहार कार्यक्रमों की तैयारी और परिपालन बहुत हद तक इन व्यक्तियों को चिन्हित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तीसरा, बहुत से समय विशेषज्ञों के द्वारा दी जाने वाली दवाइयां भी आत्महत्या के विचार को कम करती है, जिसके फलस्वरूप ऐसी समस्याएं टल जाती है। चौथा, गेटकीपरों द्वारा दिया जाने वाला प्राथमिक चिकित्सा दिशा निर्देश इस कृत्य को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकता है, जिनमें उन मूलभूत व्यवहारों को पहचाना गया हो जो उन्नत आत्महत्या के जोखिमों की ओर संकेत देते हो। पांचवा, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आत्महत्या की तैयारी करने वाले व्यक्तियों से सीधी और से कैसे बात की जाए, जिसके फलस्वरूप जागरूकता पैदा हो और ऐसे व्यक्तियों की सहायता की जा सके मदद लेने के लिए। छठा, आत्महत्या के साधनों को छुपाना, जिनसे वो व्यक्ति आत्महत्या की तैयारी कर रहा हो, आत्महत्या को स्थगित करने में सहायक सिद्ध होता है और फिर उन जोखिम वाले व्यक्तियों को उचित स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ जोड़ा जा सकता है। ये एक बहुत ही उन्नत तरकीब है आत्मघाती व्यवहारों को जड़ से मिटाने की, क्योंकि ये बड़ी जनसंख्याओं के ऊपर ध्यान देती है, जिनमें वो भी शामिल है जिन पे आत्महत्या के जोखिमों को पहचाना ना गया हो। सातवां, बहुत से समय मनोचिकित्सात्मक तरकीबें ज्यादातर मदद आत्मघाती जोखिमों को पूर्ण रूप से मिटाने से लेकर जांच पड़ताल तक करती है। आठवां, आत्महत्या मूलतः आत्महत्या के माध्यमों को बढ़ा चढ़ा के चित्रित करके दिखाना आत्महत्या करने के प्रयासों को सूत्रपात कर सकता है उन लोगों के लिए जो इनके चपेट में है। नवा, ये ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारे पास बहुत से साक्ष्य हैं, बहुत सारे आत्मघाती रोधक दृष्टिकोणों को लेके, परंतु फिर भी उन सभी को एक साथ इस्तेमाल करना बजाय एक-एक के अधिक सार्थक सिद्ध होगा। तो इस प्रकार ज्यादा सतर्क और सचेत बनके तथा उचित दृष्टिकोणों को सीखकर ऐसे कृत्य को टालना संभव है। भविष्य की जानकारियां आपको ये समझने में सशक्त करेगी कि ऐसे जोखिम वाले बच्चों के साथ बात की शुरुआत कैसे की जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।